नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूं फिर एक नई खबर के साथ। मार्वल जंक्शन में बहुत कुछ बदलाव हुआ, रेलवे स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के कार्यालय हो या और अन्य इस रेलवे अधिकारियों के डिपार्टमेंट या कहें सबकी इमारतें, सबके चेहरे बदल गए। बरसों पुराने नव निर्माण हो के कायाकल्प हो गया, सब कुछ मार्वल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बदल चुका। जो इंजन कोयले के इंजन से चलने वाले इंजन भी बदल गए, डीजल से चलने वाले इंजन भी बदल गए और इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो गए। हालात सब बदल गए मार्वल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, लेकिन नहीं बदला तो वह है जीआरपी थाना। जी हाँ, राजकीय रेलवे पुलिस थाना, जिसे हम जीआरपी के नाम से कहते हैं और जानते भी हैं। तो यह जब से ये इमारत बनी है जीआरपी थाने की, तब से अभी अब तक एससी की जस की तस है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव हुआ है तो यह हुआ है कि प्लेटफार्म ऊंचे आते गए और इन जो जीआरपी थाना है वो नीचे धसता गया, यानी गड्ढे में होता गया। आप देख सकते हैं कि कितना ये गहराई है। इस पुलिस थाने में बड़े बारिश के दौरान बड़े दयनीय हालात होते हैं। इसके अंदर भयंकर रूप से पानी भर जाता है, ऑफिस के अंदर पानी भर जाता है कि इतनी फाइलें, जो भी दस्तावेज होते हैं उनको टेबल पर रखने की जैसी नौबतें आ जाती है। यहाँ कर्मचारी बड़े ही परेशान हैं। इनके रहने के लिए भी बैरिक है जो पुराने समय की बनी हुई है, जर्जर हालत में है। जिस तस करके यह लोग जीआरपी स्टाफ खुद स्वयं अपनी जेब से पैसा लगाकर उन्हें दुरुस्त करवाता है, लेकिन रेलवे है जो सौतेला व्यवहार आज भी इसके साथ कर रही है। आरपीएफ की इमारत बहुत बढ़िया बनाकर दे दी गई, लेकिन जब जीआरपी राज की रेलवे पुलिस की इमारत की बात आती है तो यह इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कई बार डीआरएम को भी हमने इस ओर ध्यान दिलाया, लेकिन 9 दिन चले ढाई कोस वाली बात हुई कि कोई भी इस इमारत के प्रति गंभीरता किसी भी अधिकारी ने नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जीआरपी थाने की यह तस्वीर, कितना गहराई में है ये। एक एक कमरा भी जो यहाँ कक्ष बनाया जाता है वो यहाँ के स्टाफ द्वारा किसी न किसी राजनीतिक प्रतिनिधि के माध्यम से डोनेट करके यहाँ बनाया जाता है, सहयोग से बनाया जाता है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं जीआरपी के, वह न जाने कहाँ से किन लोगों से मिन्नत करते हैं और यहाँ पर ये काम करवाते हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि विधायक और सांसद इस ओर ध्यान देवें, जीआरपी थाने की इमारत नहीं बनावें जिससे इनको आसान अच्छा एक सुविधा मिल सके। इनके रहने के लिए भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सबको सुविधा चाहिए तो जीआरपी को क्यों नहीं चाहिए। सभी को अच्छा माहौल चाहिए तो जीआरपी को भी अच्छे माहौल में रखना दायित्व बनता है रेलवे अधिकारियों का और रेलवे प्रशासन का। तो हम निवेदन करेंगे, स्थानीय विधायक से भी निवेदन करेंगे, खुशवीर सिंह जी से, सांसद महोदय से भी करेंगे और भी अन्य जो लीडर हैं, अधिकारी हैं, चाहे वो रेलवे के डीआरएम हो, जीएम हो, सभी से हम ये कहना चाहेंगे हम तोमर क्राइम न्यूज़ माध्यम से कि इस जीआरपी के साथ सौतेला व्यवहार न करें, इनके प्रति भी अपना अच्छा रवैया रखें और इन्हें भी अच्छी सुविधा दिलाएँ जिससे ये अपना अच्छे से काम कर सके। रात दिन यह स्टेशन पर भी रेलवे का ही काम करते हैं, न कि किसी सिटी थाने का काम करते हैं। रेलवे का काम करते हैं तो कम से कम रेलवे का दायित्व बनता है कि इन्हें एक अच्छी इमारत बना के दी जाए, अच्छी सुविधा दी जाए, रहने को अच्छी सुविधा दी जाए, वाहन की भी अच्छी सुविधा दी जाए, जो जिससे इनको अच्छी राहत मिल सके। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज़।